हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यू पैटर्न स्पॉटिंग एरर के कुछ रियल बैंकिंग क्वेश्चंस। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय बैंकिंग सेक्टर में या बैंकिंग एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस का नेचर काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब क्वेश्चंस को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश या जीके। एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चंस देता है कि उनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उनको ट्विस्ट करके दिया जाता है। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि एग्जामिनर आपका फ्रेश टैलेंट और फ्रेश एप्टीट्यूड चेक करना चाहता है। एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि आपकी जो नॉलेज हो वो क्रैमिंग पर बेस्ड हो या रट्टाफिकेशन पर बेस्ड हो। उनको एक ओरिजिनल टैलेंट और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कैंडिडेट चाहिए। तो सबसे पहले आपको इस रिक्वायरमेंट को समझना है कि बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए आपको एक अच्छा क्राइसिस मैनेजर होना ज़रूरी है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग कैंडिडेट होना ज़रूरी है। इसीलिए इन पैटर्न्स को चेंज किया जा रहा है, पर्टिकुलरली इंग्लिश सेक्शन में। जैसा कि आप जानते हैं कि इनको न्यू पैटर्न क्वेश्चंस बोला जा रहा है या इनको लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चंस बोला जा रहा है, और एग्जामिनर क्वाइट फ्रिक्वेंटली इन क्वेश्चंस के नेचर को चेंज करके आपको दे रहा है। ठीक है, तो ये इसका रीज़न है। यहाँ पर हम कुछ स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस देखेंगे, और यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिए, इंग्लिश सेक्शन हो या कोई सा भी सेक्शन हो, यदि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन को दिया जाए, कितना भी ट्विस्ट किया जाए, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। अब देखिए, ये स्पॉटिंग एरर का एक क्वेश्चन है, इसमें मैंने करीब 10 क्वेश्चन दिए हैं और इनको मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, ठीक है, और इस सेंटेंस को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है और लास्ट पार्ट को बोल्ड किया गया है। इसका मतलब ये है कि लास्ट पार्ट जो है ये ऑलरेडी करेक्ट है। ठीक है, तो इस पार्ट को हटाने के बाद आपके पास बचते हैं 4 पार्ट। उन 4 पार्ट में से 3 पार्ट जो हैं वो इनकरेक्ट हैं और 1 पार्ट जो है वो करेक्ट है। यानी इस पार्ट के अलावा, इस पर्टिकुलर पार्ट के अलावा विच इज़ ऑलरेडी करेक्ट, आपको एक पार्ट और देखना है जो कि करेक्ट है, तो वही आपका आंसर होगा और उसके अकॉर्डिंग फिर इसमें से आपका आंसर बनेगा। तो यहाँ पर यदि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। अब देखिए, इंग्लिश सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। इंग्लिश सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपकी रीडिंग स्किल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में इस समय जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं काफ़ी टेक्निकल हैं, वो नेचर में लेंदी और ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि आप उनको तेज़ी से पढ़ नहीं पाएंगे तो उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे आप। तो आपको रीडिंग स्किल आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, आपकी वर्ड पावर काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, आपकी लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। यानी इंग्लिश सेक्शन में केवल इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग चेक नहीं की जा रही है, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग के अलावा आपकी लॉजिकल रीजनिंग, आप किस तरीके से लॉजिकली अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चन को, वो आपका चेक किया जा रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, यहाँ से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम नीड, यहाँ पर लिखा है नीड। अब देखिए, एक डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर नीड्स होगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर आएगी। यानी फर्स्ट पार्ट जो है ये आपका हो गया रॉन्ग। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम नीड्स टू बी कमेंडेड, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को टेलीकॉम की तारीफ करने की ज़रूरत है, उसकी तारीफ की जानी चाहिए। नीड्स टू बी कमेंडेड का मतलब है कि उसकी तारीफ की जानी चाहिए। ये एक पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा गया है, किस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में लिखा गया है, ये जो स्किल आएगी आपके अंदर, ये आएगी पढ़ने से, रीडिंग से। नीड्स टू बी कमेंडेड का मतलब है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की तारीफ की जानी चाहिए लोगों के द्वारा। ये एक पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो इसमें हम टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पर हमने टू बी के बाद इसमें थर्ड फॉर्म लगाया। कमेंड का मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना, और इसी से जो वर्ड बना है, इसी का जो डेरिवेटिव है वो है कमेंडेबल। ठीक है, कमेंडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, कमेंडेबल जॉब। तो इसको आप ध्यान रखिए, ये कमांड नहीं है, ये कमेंड है। ठीक है, कमेंडेड फॉर टेकिंग द लीड्स। टेकिंग द लीड्स क्या होता है, टेकिंग द लीड होता है, टेकिंग द लीड का मतलब होता है कि जो पायोनियर होता है, जो पूरी टीम को लीड करता है या जो सबसे पहले इनिशिएटिव लेता है, उसको हम बोलते हैं टेकिंग द लीड।
तो लीड लेने के लिए, मतलब इस चीज़ को पायनियर करने के लिए, इस चीज़ में आगे आने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की तारीफ़ की जानी चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम नीड्स टू बी कमेंडेड फॉर टेकिंग द लीड इन अडॉप्टिंग, ठीक है, उसकी तारीफ करनी होनी चाहिए किस चीज़ में, इन अडॉप्टिंग स्ट्रॉन्ग नेट न्यूट्रलिटी रूल्स एंड इंश्योरिंग दैट अ फ्री नेचर ऑफ इंटरनेट इज नॉट चेंज। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखें तो इस पार्ट में एरर है, ठीक है, इसमें नीड्स आएगा, इसमें लीड होगा, लीड्स नहीं होता, ठीक है, तो ये पार्ट गलत हो गया। इसमें देखते हैं हम, ये पार्ट सही लग रहा है, इस पार्ट में देखते हैं एंड इंश्योरिंग दैट अ फ्री नेचर ऑफ इंटरनेट। देखिए, जब दो नाउन को हम ऑफ के द्वारा जोड़ते हैं तो उसमें वो जो नाउन होती है वो पर्टिकुलराइज हो जाती है, ठीक है। जैसे कोई भी एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे जैसे मैन ऑफ इंडिया, या कोई भी चीज़ मैं बोलता हूँ, चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी, ठीक है, तो इसमें मैं चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी ना बोलते हुए द चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी बोलूँगा। यहाँ पर आप देखिए, फ्री नेचर ऑफ इंटरनेट, किस नेचर की हम बात कर रहे हैं, वो नेचर कौन सा है, वो इंटरनेट से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे द फ्री नेचर ऑफ इंटरनेट, द फ्री नेचर ऑफ इंटरनेट। तो ये सेंटेंस, ये पार्ट भी आपका गलत हो गया, यानी ये पार्ट आपका सही है, स्ट्रॉन्ग नेट न्यूट्रलिटी रूल्स, इसमें कोई भी गलती नहीं है, इसको आप ध्यान से देखिए, इस पार्ट को, इसमें कोई भी गलती नहीं है। और ये जो पार्ट है, ये है सी वाला पार्ट, ठीक है, ये है डी। देखिए, कभी कभी इन लेटर्स को पहचानने में भी गलती हो जाती है कि आपने जो आंसर फिगर आउट किया है वो किस पार्ट को बिलोंग करता है, ठीक है, तो कभी कभी स्टूडेंट इसमें भी गलती कर देता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर होगा सी, ये जो सी वाला पार्ट है ये इसमें होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी, क्वेश्चन नंबर वन का आंसर है सी, ठीक है। आई होप कि अच्छे तरीके से आपको समझ में आया, और अब हम इस सेंटेंस को देखते हैं। देखिए, कभी कभी बैंकिंग एग्जाम में जब आप जाएंगे तो कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में नहीं आएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेंटेंस जो उठाए जाते हैं वो रिपोर्ट्स में से, या टेक्निकल रिपोर्ट्स जो होती हैं, एनालिसिस होते हैं, लोगों के जो ओपिनियंस होते हैं, उनमें से सेंटेंस बीच में से पिक किए जाते हैं, तो यदि आपका लॉजिक सही है तो फिर भी आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, भले ही आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में ना आए, तो उससे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हैविंग कम टू द कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, इसको हम इन्फर भी बोलते हैं, इन्फ्रेंस का मतलब होता है कंक्लूजन। हैविंग के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हैविंग डन, इस तरह से हम बोलते हैं, हैविंग कंप्लीटेड। हैविंग के साथ जब हम V3 लगाते हैं तो इसका मतलब है, इसको हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब है एक काम खत्म होने के बाद फिर दूसरा काम शुरू होता है, तो यहां पर हैविंग के साथ केम लिखा हुआ है जो कि सेकेंड फॉर्म है, यानी ये पार्ट जो है ये आपका हो गया गलत। अब हम देखते हैं सेकेंड, हैविंग कम टू द कंक्लूजन दैट डेवलपमेंट इज बेस्ट सम अप। SMR के बाद जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन होता है, ये पैसिव वॉइस है एक्चुअली, और पैसिव वॉइस में हम SMR के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यहां पर थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये हो गया गलत, ठीक है। इसका मीनिंग में अभी आपको बताऊंगा, इज द एक्सपेंशन ऑफ फ्रीडम सैन examines traditional definitions to understanding of the term। ये आपको सही लग रहा है, ये सेंटेंस देखिए, ध्यान से पढ़िए सेंटेंस को, सैन examines traditional definitions to के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहां पर, लेकिन ये तो अंडरस्टैंडिंग्स है, ये तो नाउन है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहां पर ट्रेडिशनल डेफिनेशंस और अंडरस्टैंडिंग ये दोनों जुड़े हुए हैं एक कंजक्शन से, ठीक है, तो यहां पर ये होना चाहिए सैन examines traditional definitions and understandings of the term, इस तरीके से होना चाहिए, यानी यहां पर ये वाला जो पार्ट है सी पार्ट, इसमें बताइए कहां पर गलती है, इसमें कोई गलती नहीं है, तो इसमें आपका आंसर होगा सी इस क्वेश्चन में। हैविंग कम टू द कंक्लूजन दैट डेवलपमेंट इज बेस्ट समड अप एट द एक्सपेंशन ऑफ फ्रीडम, मतलब इस कंक्लूजन पर आने के बाद कि डेवलपमेंट जो है उसको सम अप किया जा सकता है, उसका निचोड़ निकाला जा सकता है कि वो एक्सपेंशन ऑफ फ्रीडम है। ये सैन ने एक फिलोसफी है, या सैन ने एक रिपोर्ट तैयार की है, उसमें उन्होंने कंक्लूजन निकाला है कि डेवलपमेंट को
समरी बनाई जा सकती है। डेवलपमेंट को यदि आप सम अप करें तो उसका जो मीनिंग निकलेगा वो मीनिंग निकलेगा एक्सपेंशन ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो अब ये किस सेंस में उन्होंने कहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, ये आपको समझना जरूरी नहीं है। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ये हो सकता है। सेन एक व्यक्ति का नाम है। एग्जामिन्स ट्रेडिशनल डेफिनेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर आपका सी, यहाँ पर सही आंसर आपका होगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। और मेरी साइट पर examini.in पर, इस पर आप मेरे फ्री ब्लॉग्स भी जरूर पढ़ें। आपको इस साइट पर जाना है और वहाँ पर लॉगिन या साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली यू कैन गो टू द ब्लॉग सेक्शन एंड यू कैन रीड ऑल दीज ब्लॉग्स अबाउट इंग्लिश प्रोफिशियंसी सेक्शन। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आफ्टर द रीसेंट बैड लोन सागा, इट हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली एविडेंट फॉर डोमेस्टिक बैंक्स आर इल सूटेड। देखिए यहां पर देखिए, आफ्टर द रीसेंट बैड लोन सागा इट हैज, यहां तक तो ये सही है। आफ्टर द रीसेंट बैड लोन सागा इट हैज बिकम इंक्रीजिंगली एविडेंट, ये इंक्रीजिंगली एविडेंट हो गया है। अभी देखिए, बैड लोन के बारे में आपने सुना होगा, एनपीए के बारे में आपने सुना होगा, बैंक्स के ऊपर काफी सारा बैड लोन है या एनपीए है। तो बैड लोन सागा मतलब बैड लोन की अभी जो ट्रेजेडी हुई थी या जो केस हुआ था, जिसमें काफ़ी सारे बैंक्स को काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि उनको लोन नहीं देना है क्योंकि पुराने लोन्स की रिकवरी नहीं हो पा रही है। ठीक है, आफ्टर द रिसेंट बैड लोन सागा इट हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली एविडेंट। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है, ऑब्वियस हो गई है, लेकिन क्या चीज़ ऑब्वियस हो गई है वो आपको इसके बाद बोलना पड़ेगा। इट हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली एविडेंट, ये चीज़ एविडेंट हो गई है, लेकिन क्या चीज़ एविडेंट हो गई है वो आपको नाउन के फॉर्म में सेंटेंस के आगे बोलना पड़ेगा। तो यहां पर आपका लॉजिक चेक हो रहा है। ठीक है, बिकम इंक्रीजिंगली एविडेंट, तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि देखिए, डोमेस्टिक बैंक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है, क्योंकि यहां पर आर लिखा हुआ है। तो आर यानी इससे पहले क्या चाहिए आपको, इससे पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, और सब्जेक्ट सब्जेक्ट से पहले यहां पर आपको क्या चाहिए, यहां पर आपको दैट चाहिए, ताकि आप उसको नाउन क्लॉज में चेंज कर सकें। ये एक नाउन चाहिए एक्चुअली यहां पर आपको। इंक्रीजिंगली एविडेंट, ठीक है, इट हैज बिकम इंक्रीजिंगली एविडेंट, लेकिन क्या चीज इंक्रीजिंगली एविडेंट है वो नाउन के फॉर्म में आपको आगे लिखनी पड़ेगी। तो इसलिए यहां पर आप बोल सकते हैं इट हैज बिकम इंक्रीजिंगली एविडेंट दैट डोमेस्टिक बैंक्स, ठीक है, ये चीज इंक्रीजिंगली एविडेंट हो गई है, दैट डोमेस्टिक बैंक्स आर इल सूटेड। इल सूटेड के बाद हम फॉर नहीं लगाते, टू लगाते हैं, इल सूटेड। और यहां पर आएगा, देखिए यहां पर आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि यहां पर जब आप टू लगाएंगे, टू के द्वारा हम दो वर्ब्स को जोड़ते हैं, लेकिन यहां पर है मीट और यहां पर है इल सूटेड। ठीक है, आर के बाद यहां पर कोई भी चीज लिखी जाएगी तो वो एडजेक्टिव होगी, जैसे दे आर स्मार्ट, दे आर इंटेलिजेंट, दे आर कुछ भी। तो आर के बाद यहां पर आप जो भी लिखेंगे वो एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव को जब आप टू से जोड़ेंगे तो यहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। इल सूटेड टू वॉट, वो इल सूटेड है लेकिन किसके लिए, वो है मीटिंग द लैंडिंग नीड्स। ये काफी टफ सेंटेंस है, यहां पर आपको एक जेरंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। ठीक है, इल सूटेड टू, जैसे जैसे लुक फॉरवर्ड टू होता है, आपने सुना होगा, लुक फॉर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूं, मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉट। ठीक है, उसी तरीके से इल सूटेड हैं बैंक्स, जो है इल सूटेड हैं, लेकिन किस चीज के लिए, उस चीज का नाम यहां पर आपको लाना पड़ेगा, यानी यहां पर आपको एक जेरंड फॉर्म चाहिए। तो ये हो जाएगा इल सूटेड टू मीटिंग द लैंडिंग नीड्स इन मीडियम टू लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो जेस्टेशन क्या होता है, जेस्टेशन होता है द प्रोसेस और पीरियड ऑफ डेवलपिंग इनसाइड द वूम बिटवीन कॉन्सेप्शन एंड बर्थ। ये एक्चुअली बायोलॉजी का टर्म है। ठीक है, तो इसको आप डेवलपमेंट मान सकते हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए ये वर्ड यूज हुआ है। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, आफ्टर द रीसेंट बैड लोन सागा इट हैज बिकम इंक्रीजिंगली एविडेंट दैट डोमेस्टिक बैंक्स आर इल सूटेड टू मीटिंग द लैंडिंग नीड्स इन मीडियम टू लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड्स प्रोजेक्ट्स। तो इसका मतलब ये है कि अभी हाल ही में जो एनपीए का जो इशू हुआ है, उससे हमें ये पता पड़ रहा है कि डोमेस्टिक बैंक्स जो हैं वो इल सूटेड हैं, वो सूटेबल नहीं हैं लैंडिंग नीड्स को पूरा करने के लिए, लोगों को कर्ज देने के लिए।
वो चाहे मीडियम रेंज के हों या लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स हों, उनके लिए वो सूटेबल नहीं है। उनको दूसरी बैंक्स को, हमें इंटरनेशनल बैंक्स को और दूसरी बैंक्स को हमें उनके लिए हायर करना चाहिए, क्योंकि ये बैंक्स लोन तो दे देती हैं लेकिन रिकवरी नहीं कर पाती। तो हो सकता है इस सेंस में यहाँ पर इसमें बात हो रही हो। तो इसमें फर्स्ट आपका सही है, इट हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली एविडेंट दैट डोमेस्टिक बैंक्स, ये गलत है, आर इल सूटेड टू, ये गलत है, इसमें मीटिंग आएगा, इसमें आफ्टर द रिसेंट बैड लोन सागा इट हैज़। हाँ, फर्स्ट पार्ट इसमें सही है, आफ्टर द रिसेंट बैड लोन सागा इट हैज़, फर्स्ट पार्ट इसमें सही है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर होगा ए। इस क्वेश्चन को देखते हैं, वाइल देयर इज सर्टेन अ नीड, देखो इसको आपको बोलना चाहिए वाइल देयर इज ए नीड, मतलब किसी चीज की जरूरत के बारे में बात कर रहे हैं, तो नीड से पहले इसको इसको इम्फेसाइज करने के लिए आप बोलेंगे यहां पर वाइल देयर इज सर्टेनली अ नीड। ठीक है, तो यहां पर आप एडवर्ब लगाएंगे इम्फेसाइज करने के लिए कि काफी जरूरत है, वाइल देयर इज ए नीड मतलब इस चीज की जरूरत है, लेकिन इस चीज की जरूरत है ऐसा निश्चित रूप से होना चाहिए, निश्चित रूप से जरूरत है, वाइल देयर इज सर्टेनली अ नीड, ऐसे बोलना पड़ेगा आपको, वाइल देयर इज सर्टेनली अ नीड टू डेवलप अ वाइब्रेंट मार्केट, टू डेवलप अ वाइब्रेंट मार्केट ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट का मतलब होता है वन आफ्टर द अदर। ठीक है, जैसे जैसे आप बोलते हैं कि ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक, या एक दिन छोड़ के, इस तरीके से ऑल्टरनेट का मतलब होता है। लेकिन यहां पर आपको किसकी बात हो रही है, किस वाइब्रेंट मार्केट के लिए क्या चाहिए आपको, टू डेवलप अ वाइब्रेंट मार्केट ऑल्टरनेटिव चाहिए आपको, एक ऑप्शन चाहिए, ना कि ऑल्टरनेट। वाइल देयर इज सर्टेनली अ नीड टू डेवलप अ वाइब्रेंट मार्केट ऑल्टरनेटिव, वाइब्रेंट मार्केट ऑल्टरनेटिव, यहां पर नीड के बाद तो देखिए टू ही आएगा, लेकिन वाइब्रेंट मार्केट अल्टरनेटिव किसके लिए चाहिए, यहां पर आएगा फॉर फॉर फंडिंग प्रोजेक्ट्स, अचीविंग दिस थ्रू आ डिक्टेट इज ए बैड लोन। देखिए सेंटेंस को अभी हम समझते हैं, लेकिन इसमें इस पार्ट पार्ट को देखिए, यह पार्ट पूरी तरीके से सही है, अचीविंग दिस थ्रू आ डिक्टेट इज ए बैड आइडिया, तो यहां पर आपका आंसर होगा डी। इस सेंटेंस में हम ये बात कर रहे हैं कि हमें मार्केट में जो फंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोजेक्ट जो जो ऐसे बैंक्स हैं, जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, जो प्रोजेक्ट को फंड करते हैं, उसके लिए हमें एक ऑल्टरनेटिव की ज़रूरत है, एक अच्छे ऑल्टरनेटिव की ज़रूरत है, बैंकिंग सेक्टर से या फाइनेंशियल सेक्टर से ये काम नहीं हो पा रहा है, हमें दूसरे मार्केट ऑल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ये थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है, या किसने इसको कहा है इस सेंटेंस को, लेकिन यहाँ पर आपको केवल लॉजिक अप्लाई करना है और इसके अकॉर्डिंग आपका डी इसमें सही है। डिक्टेट का क्या मतलब है, डिक्टेट का देखिए ऊपर मतलब लिखा हुआ है, एन ऑर्डर और डिक्री इम्पोज्ड बाय समवन इन पावर विदाउट पॉपुलर कंसेंट, मतलब डिक्टेट का सिंपल सा मतलब है कि एक थोपा हुआ आपके ऊपर, थोप दिया गया है, उसमें आपकी कंसेंट नहीं ली गई है और उस ऑर्डर को या उस डिक्री को आपके ऊपर इम्पोज कर दिया गया है, दैट इज कॉल्ड डिक्टेट। यदि इस चीज को अचीव करना है तो इसमें पॉपुलर कंसेंट लेना जरूरी है, इसको इसको पब्लिक के ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए, ये इस सेंटेंस का सेंस निकल रहा है, और कुल मिला के यहाँ पर डी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, राहुल स्टैंड इन फेवर ऑफ फ्री स्पीच कम, यहाँ पर आपका देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रीडिंग करें, रीडिंग करने से आपके अंदर एक सेंस क्रिएट हो जाता है। स्टैंड यहाँ पर क्या है, स्टैंड यहाँ पर वर्ब है या नाउन है, यहां पर अपोस्ट्रफी एस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये वर्ब नहीं हो सकती, अपोस्ट्रफी एस के बाद हमेशा नाउन आती है, राहुल्स पेन, राहुल्स बुक, तो स्टैंड यहां पर क्या है, स्टैंड यहां पर वर्ब नहीं है, स्टैंड यहां पर है नाउन, और स्टैंड का मतलब जैसे हम बोलते हैं व्हाट इज योर स्टैंड ऑन दिस इशू, इस इशू पर आपका स्टैंड क्या है, आपका विचार क्या है, आपकी ओपिनियन क्या है। ठीक है, तो यहां पर स्टैंड का मतलब है ओपिनियन, और ये एक नाउन की तरह यहां पर काम कर रहा है, राहुल स्टैंड इन फेवर ऑफ फ्री स्पीच, या तो ये होना चाहिए हैज कम या ये होना चाहिए कम्स, क्योंकि स्टैंड सिंगुलर है यहां पर, तो इसलिए ये कम्स भी हो सकता है और हैज कम भी हो सकता है। राहुल स्टैंड इन फेवर ऑफ फ्री स्पीच कम्स अ मंथ आफ्टर यूएस टेलीविजन नेटवर्क एबीसी हैड टू अपोलोजाइज
अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना, और इसके बाद हम फ्रॉम नहीं लगाते, इसके बाद हम लगाते हैं टू। अपोलोजाइज टू इंडियन फैंस ओवर आ हिंदू टेरर। यहाँ पर ए लगा हुआ है तो यहाँ पर फिर प्लॉट्स क्यों आएगा, यहाँ पर प्लॉट आएगा। तो इसमें आपका आंसर क्या है, इसमें आपका आंसर है, देखिए राहुल्स स्टैंड इन फेवर ऑफ फ्री स्पीच कम्स, तो ये आंसर नहीं होगा। अ मंथ आफ्टर यूएस टेलीविजन, ये सही है आपका, बी इसमें आंसर होगा। हैड टू अपोलोजाइज टू ओवर अ हिंदू टेरर प्लॉट, ये गलत है सारे, इसमें आपका आंसर होगा बी। ठीक है, बी देखने में भी ग्रामेटिकली सही लग रहा है, तो इस तरीके से ये बी इसमें आंसर आपका होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इन प्रिंसिपल देयर इज ऑब्वियस एडवांटेजेस टू द वन नेशन वन इलेक्शन आइडिया लेक्स। इन प्रिंसिपल यानी सैद्धांतिक रूप से इसको देखें तो यहाँ पर चूंकि एडवांटेजेस की बात हो रही है तो यहाँ पर फिर इज नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आर। देयर आर ऑब्वियस एडवांटेजेस टू द वन नेशन वन इलेक्शन आइडिया। देखिए इस पर अभी बात हो रही है कि पूरा एक नेशन में एक बार इलेक्शन होना चाहिए, अलग अलग इलेक्शन नहीं होने चाहिए, अलग अलग बार इलेक्शन नहीं होने चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन आइडिया उसकी इसमें बात हो रही है। इलेक्शन एक्सपेंडिचर टू बी ड्रास्टिकली कट, टू बी ड्रास्टिकली कट का क्या मतलब होगा, इलेक्शन एक्सपेंडिचर को ड्रास्टिकली कट किया जाना है, ये इसका मतलब निकलेगा। जबकि यहाँ पर सेंटेंस बोलने की कोशिश कर रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को यदि हम अप्लाई कर देते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो इलेक्शन एक्सपेंडिचर विल बी ड्रास्टिकली कट, क्योंकि बार बार इलेक्शंस होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, लोकसभा राज्यसभा इंटरिम इलेक्शन अलग अलग इलेक्शंस होते हैं, यदि एक ही बार इलेक्शन हो तो इलेक्शन एक्सपेंडिचर जो है दे विल बी ड्रास्टिकली कट, उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं इलेक्शन एक्सपेंडिचर विल बी ड्रास्टिकली कट, और देखिए यहाँ पर भी विल बी लगा हुआ है, इसका मतलब ये एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पर आप फॉर क्यों लगाएंगे फिर। ठीक है, यहाँ पर हम बोल रहे हैं इलेक्शन एक्सपेंडिचर विल बी ड्रास्टिकली कट एंड रूलिंग डिस्पेंसेशन विल बी एबल टू फोकस ऑन लेजिस्लेशन एंड गवर्नेंस रादर देन हैविंग टू बी इन कैंपेन मोड फॉर एवर। देखिए बार बार इलेक्शन होने की वजह से जो पार्टीज हैं वो अपने काम पर, लेजिस्लेशन पर, गवर्नेंस पर ध्यान नहीं दे पाती और उनको हमेशा रहना पड़ता है कैंपेन मोड में। रूलिंग डिस्पेंसेशन का मतलब है रूलिंग सिस्टम्स, तो यहां पर इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, ये गलत हो गया आपका, देयर आर होगा यहां पर, द वन नेशन वन इलेक्शन आइडियाज इलेक्शन एक्सपेंडिचर विल बी होगा, ये गलत हो गया, विल बी ड्रास्टिकली कट यहां पर एंड होगा, ये भी गलत हो गया, एबल टू फोकस ऑन लेजिस्लेशन एंड गवर्नेंस रादर देन हैविंग टू बी, डी पार्ट इसमें सही है। रादर देन से हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को, और रादर देन के बाद आप आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं, तो इसलिए रादर देन से हम कंपेयर कर रहे हैं दो चीज़ों को। इसमें कौन सी दो चीज़ें हैं कि एक तरफ तो जो पार्टीज हैं उनको कैंपेन मोड में रहना पड़ता है और वो अपने लेजिस्लेशन पर या गवर्नेंस पर फोकस नहीं कर पाती हैं, तो इन दो चीज़ों की इसमें बात हो रही है, इसलिए रादर देन इज ओके हेयर और इसमें आपका आंसर होगा डी। ठीक है, तो लॉजिकल आप लॉजिकली आपको सोचना है और लॉजिकल अप्रोच आपको अप्लाई करनी है। ये जरूरी नहीं है कि आप कॉन्टेक्स्ट को समझें या सारे वर्ड मीनिंग्स आपको पता हो, आपको केवल लॉजिकली उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, कीन ऑन डेवलपिंग इको टूरिज्म प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द स्टेट, तेलंगाना स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यहाँ पर कीनली नहीं होगा, कीनली नहीं होता, कीन ऑन होता है, कीन ऑन का मतलब किसी चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होना। ठीक है, कीनली ऑन गलत फ्रेज है, कीन ऑन होता है, और कीन ऑन के बाद चूंकि ये प्रपोजिशन है इसलिए इसके बाद हम यहां पर आईएनजी फॉर्म हमेशा लगाते हैं। तो कीन ऑन डेवलपिंग इको टूरिज्म प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द स्टेट नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए इन द स्टेट, क्योंकि अक्रॉस द स्टेट का मतलब होगा फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड, तो उस सेंस में तो हम यहां पर इसको यूज नहीं कर रहे हैं, हम तो यहां पर बोल रहे हैं कि इको टूरिज्म प्रोजेक्ट्स, इको टूरिज्म प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए वो स्टेट में, वो एक पर्टिकुलर स्टेट में, तेलंगाना स्टेट में इको टूरिज्म प्रोजेक्ट्स को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ठीक है, कीन ऑन डेवलपिंग इको टूरिज्म प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट, तेलंगाना स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये एक सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पर आएगा हैज़,
हैज़ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट इन पीपीपी मोड टू अट्रैक्ट विजिटर्स। विजिटर्स कैसे, विजिटर्स को वो अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, वो इको टूरिज्म प्रोजेक्ट्स लगाना चाहते हैं स्टेट्स में, लेकिन किस तरह के विजिटर्स को वो अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं? विजिटर्स हु आर लुकिंग टू एन्जॉय नेचर एंड वाइल्ड लाइफ, जो नेचर और वाइल्ड लाइफ को एन्जॉय करना चाहते हैं। हु आर, ये लुक्स नहीं होगा यहाँ पर, विजिटर्स हु आर लुकिंग, ठीक है, विजिटर्स हु आर लुकिंग। तो एक्चुअली इसमें सारे पार्ट्स गलत हैं, ये वाला पार्ट भी गलत है इसमें, तो इसमें आपका आंसर होगा ऑल आर इनकरेक्ट। काफ़ी टफ क्वेश्चंस हैं ये, और ये रियल क्वेश्चंस हैं। यदि आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, और इन क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। लेकिन इनसे आपको घबराने की या ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बैंकिंग एग्जाम्स में आप निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स का कट ऑफ दूसरे एग्जाम्स की अपेक्षा थोड़ा कम जाता है, और इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। टाइम भी कम रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इन क्वेश्चंस को सक्सेसफुली कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, दो या तीन क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं। तो टेकिंग क्यू फ्रॉम कंटिन्यूएशन ऑफ गवर्नेंस बॉडीज इन द प्राइमरी एग्रीकल्चरल कॉरपोरेट सोसाइटी, द एसोसिएशन हैज़ आस्क नहीं होगा, ये आस्क होगा, फॉर द सेम क्राइटेरियन सही है, फॉर द सेम क्राइटेरियन हैड अप्लाइड टू देम टू, फॉर द सेम क्राइटेरियन, यहाँ पर हम बोलेंगे फॉर द, इसको फिर से पढ़ते हैं, टेकिंग क्यू फ्रॉम द कंटिन्यूएशन ऑफ गवर्नेंस। देखिए, गवर्नेंस बॉडीज भी हो सकता है और गवर्नमेंट बॉडीज भी हो सकता है। गवर्नेंस बॉडीज जो होती हैं एक्चुअली सोसाइटी के अंदर होती हैं वो, तो इसलिए टेकिंग क्यू फ्रॉम द कंटिन्यूएशन ऑफ गवर्नेंस बॉडीज यहाँ पर इन नहीं आएगा। ये प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी की बॉडीज होती हैं, ऑफ द प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी द एसोसिएशन हैज आस्क्ड फॉर द सेम क्राइटेरियन, यहाँ पर होना चाहिए एक्चुअली ये, फॉर द सेम क्राइटेरियन हेड के स्थान पर यहाँ पर होना चाहिए टू बी अप्लाइड टू देम टू। मतलब एसोसिएशन ने बोला है कि एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो चीज़ अप्लाई हो रही है वही चीज़ उनके साथ भी अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टू लिखा हुआ है, तो टू का मतलब है कि उनके ऊपर भी वही चीज़ अप्लाई होनी चाहिए। काफ़ी टफ क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, टेकिंग क्यू फ्रॉम द कंटिन्यूएशन ऑफ गवर्नेंस बॉडीज of the primary agricultural cooperative society that association has asked for the same criterion, यहाँ पर first आपका सही answer है, taking cue from the continuation of governance bodies, A इसमें आपका सही answer है। काफ़ी tough ये question है। Next question देखते हैं, India is deployed business or third eye technology in its goods and service tax network, इंडिया इज डिप्लॉयड नहीं होगा, इंडिया इज डिप्लॉयड का मतलब होगा कि इंडिया को डिप्लॉय किया गया है, जबकि यहाँ पर आपको बोलना है कि इंडिया ने डिप्लॉय किया है, इंडिया ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे इंडिया हैज़ डिप्लॉयड बिजनेस और थर्ड आई टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन इट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, ये पार्ट सही है इसमें, बी पार्ट, टू डिटेक्ट डिफॉल्टर्स एंड विल इंस्टॉल रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैगिंग, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैक्स होना चाहिए, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैक्स ऑन ट्रक्स ट्रांसपोर्टिंग, ये होना चाहिए गुड्स, टू चेक ऑन कंप्लाइंस इन द ई वे बिल प्रोसेस। तो इसमें सेकंड वाला पार्ट सही है आपका, इन इट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क टू, ये पार्ट सही है इसमें, बाकी सारे पार्ट्स गलत हैं इसमें। काफ़ी ये लंबा हो रहा है वीडियोस, तो एक सेंटेंस और देख लेते हैं हम, द सेंटर हैज़ मैंडेटेड गिविंग प्रेफरेंस टू ऑल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट टू, इसमें दो बार आ रहा है एक्चुअली, द सेंटर है सही है, मैंडेटेड का मतलब इंस्ट्रक्ट करना किसी को, द सेंटर हैज़ मैंडेटेड गिविंग प्रेफरेंस टू, एक्चुअली दो बार नहीं आएगा इसमें, इसमें होगा एक्चुअली गिविंग प्रेफरेंस इन ऑल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट, पब्लिक प्रोक्यूरमेंट में प्रेफरेंस देना है इनको, ठीक है, द सेंटर हैज़ मैंडेटेड गिविंग प्रेफरेंस इन ऑल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट टू लोकल प्रोड्यूस साइबर सिक्योरिटी,
ये होना चाहिए टू लोकली प्रोड्यूस्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स वेयर इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी राइट्स होना चाहिए, ये आर ओन्ड बाय कंपनीज। इसमें ये वाला पार्ट सही लग रहा है, ये सही है, इसमें डी पार्ट बाय कंपनीज और स्टार्टअप्स, बाकी सारे पार्ट्स में इसमें गलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हैं रियल बैंकिंग क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन क्लर्क में, पीओ एग्ज़ाम में, आरबीआई में, आरआरबी में, प्री और मेंस में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के वीडियोस की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसको लाइक और कमेंट करके मुझे इनक्रेज करें। और यदि आप हमारा ऑनलाइन ई कोर्स बैंक पीओ एग्ज़ाम के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, इंग्लिश सेक्शन में आप हाई स्कोर करना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से इस ऑनलाइन ई कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है तो इन नंबर्स पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।